नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कैंट थाना प्रभारी मदन मोहन मालवीय को मुखबिर से सूचना मिली कि दो बदमाश ट्रेन से उतरकर महूगढ़ा के जंगल से अपने गांव जाने की तलाश में बैठे हैं। इस सूचना कैंट थाना प्रभारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और मिले निर्देश अनुसार पुलिस टीम के साथ महूगढ़ा के जंगल में दबिश दी। थाना क्षेत्र पुलिस द्वारा जो है वो दो इनामी पारधी बदमाश पकड़े हैं। एक का नाम है शिवू पारधी और एक का नाम है लप्पा पारधी। ये दोनों पारधी जो है, एक तो शिवू पारधी पिछले 10 साल से फरार चल रहा था और एक जो है वो लप्पा पारधी पिछले 20 साल से फरार चल रहा था। ये दोनों ही जो है वो 302-360 लूट डकैती जैसे मामलों के अंदर ये फरार चल रहे थे। इनके कुछ जैसे शिवू पारधी का एक राजस्थान में भी पहले मामला पंजीबद्ध हो चुका है। अभी हम लोगों ने इसकी जानकारी मंगवाने के लिए भिजवाया है कि और कहां कहां पे इनके ऊपर मामले पंजीबद्ध थे। कुल मिला के 75,000 का इनाम इन दोनों को मिला के इनके ऊपर था और इनको पुलिस जो है वो काफ़ी दिनों से तलाश रही थी। आज हमने जो है वो इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। दोनों को गिरफ्तार करके उनके जितने भी वारंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करवा के हम लोग जो है वो आज उसको कोर्ट में पेश करेंगे। इसके अलावा पुलिस ने भी अटैक किया है। हाँ, इसमें जो है वो लप्पा पारधी ने 2018 में पुलिस टीम पर जो अटैक हुआ था उसमें इसका ये भी उसमें शामिल था, इसका भी नाम था। तो आज इसको भी उसके अंदर गिरफ्तार करके कोर्ट में। फास्ट समाचार के लिए गुना से सचिन रघुवंशी की रिपोर्ट।